अरे कोई ना थारा समझ आना चाहिए पेजा ही को चिंता नहीं है मने। देखो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है बेटा, ये ऊंची होती है मल्टी स्टोरी ए बी बहुमंजिली इमारत, और एक भवन है नीचे है बेटा मंजिल वाली हो। हाँ मल्टी स्टोरीड जिसके कई स्टोरी हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फिफ्थ फ्लोर ऐसे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पहली छत को बोलते हैं। ठीक है आप देखो बेटा, यहाँ से एक बार तो इसकी भवन के टॉप को देखता है, एक बार बॉटम को, तो अवनमन कोण होते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से अवनमन कोण एक तो है 30 डिग्री का, और एक क्या है 45 डिग्री। तो ये क्योंकि हमें आदत है नीचे से ट्राइंगल बनाने की, तो ये ट्राइंगल बना लो, ये तो हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये कितने का हो जाएगा 45। इन दूरी को हम x लेते हैं, ये भी x ये भी x, ये जो है हमारे पास 52 है 8 मीटर। तो ये ले लिया। ये हमने एच ले लिया और ये ऊपर का हो गया H-8। अब ये 8 है नीचे, तो ऊपर वाला क्या रह जाएगा H-8। दो ट्राइंगल यूज करने बेटा, एक तो 10-30 और एक 10-45। तो 10-30 को मैं यहाँ लिखता हूँ P/B 10-45 1/√3। पी कितना है H-8 और नीचे क्या है X, ठीक है X is equal to ये इधर और ये √3 इधर H-8 समीकरण नंबर 1। बस इसको इतना ही हल करते हैं, आगे दूसरा देखते हैं। अब दूसरे हम क्या हो जाए 10-45 क्या होता है, ये भी पी वाई भी 10-45 कितना हो गया 1, पी कितना हो गया एच पूरा और ये एक्स, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एच, नंबर 2 इसको 2 रख लेते हैं। तो यहां से एक्स भी निकाल लो और एच, तो एक्स की वैल्यू यहां रख दो, अब H वाली टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ √3H-√3 और गुणा में 8, ठीक है बेटा। √3 ज्यादा होता है तो H को इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 8√3 और ये हो गया √3H-H एच प्लस का था ना इधर आके माइनस का हो जाएगा, 8√3H बाहर आ जाएगा, तो √3-1। समझ आ रही इन बात बेटा ये? यस सर। मुस्कान और निशा बाद में ज्वाइन हुए हैं बेटा, स्कूल में आना है सैटरडे ने भी और संडे को भी, पूरा 3 घंटे का पेपर होगा और बाकी कल समझा दूंगा मैं स्कूल में, ठीक है। अब H और X बराबर हैं, उतना ही तो X है, उतना ही क्या है बेटा H है, तो H हमारा एक तो ये आंसर आ गया, लेकिन इसको रैशनलाइज नहीं होगा सर। हाँ डट तो जाओ इबे, लेकिन क्या होता है मैथ में नीचे रूट नहीं रखा जाता, परंपरा है ये, तो इसको क्या करेंगे yes, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ये फालतू की कार्रवाई है, यहां तक पूरे नंबर आएंगे, लेकिन ये भी सीख लो बढ़िया रहोगे।
नीचे हो गया रूट थ्री का स्क्वायर अच्छी माइनस एक का स्क्वायर, इस रूट थ्री ने भी अंदर गुणा कर लो तो रूट थ्री गुणा में रूट थ्री और जमा में रूट थ्री, नीचे हो गया तीन माइनस एक, आठ बटे में दो, रूट तीन गुणा रूट तीन कितना हो गया तीन, और रूट तीन की वैल्यू होती है 1.732। ये चार तो ना दे रखी तो मैं तो ये बताऊं तो दो मिनट में फिर नहीं ने बुझ जाएगा। 4.732 गुणा में चार, अब चार को इससे गुणा कर लो, चार दुनी आठ, चार तीय बारह, चार सात अट्ठाईस और एक उनतीस, चार चौक सोलह और दो अठारह, तीन स्थानों के बाद दशमलव, तो इतना मीटर है ये 18.928। ठीक है, तो ये तरीका होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन नीचे वाला रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करने के बाद नीचे आ जाएगा रूट तीन का स्क्वायर तीन हो जाएगा, एक का एक होता है, और इस रूट तीन को भी अंदर गुणा कराया तो पहले रूट तीन से होगा था रूट तीन गुणा रूट तीन, फिर रूट तीन को एक से करेंगे तो रूट तीन, रूट तीन गुणा रूट तीन कितना हो गया तीन, ये दो हो गया था, दो और आठ कट जाएंगे चार पे, अब इसकी वैल्यू रख दी तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जाना चाहिए, तीन में पॉइंट नहीं है तो इसके आगे पॉइंट लगा के हम तीन जीरो लिख सकते हैं, तो ये आ गया 4.732, इसको चार से गुणा कर लो, दैट्स योर फाइनल आंसर, इसमें तो कोई चूक है ही नहीं है। और एक्स और एच दोनों बराबर हैं तो बिल्डिंग की ऊंचाई भी 18.928 है और उसकी एक्स जो दूरी है भवन की और बहु मंजिला इमारत की वो भी दूरी कितनी है 18.928। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। राधा समझ में आ गया बेटा अब तो, ये पर मैं सुनूंगा डेढ़ जा डेढ़ जा तड़का स्कूल में सुन लूँ आई वे फोन पे, ये और बच्चे भी जुड़े हुए हैं दिशा आ रही है। मुस्कान का याद है, मुस्कान का याद है बेटा, निशा गए यस सर, चारों थ्योरम याद हैं सर, एक याद ना होती कम याद है, कौन सी समरूप प्रमेय। अच्छा, समरूप प्रमेय कोई प्रमेय नहीं होती, क्षेत्रफल वाली प्रमेय बोलो, एरिया वाली। और इसके प्रियंका गए योगिता ज्वाइन होगी, नो सर, उसकी रिक्वेस्ट तो वाली चल रही, ये प्रियंका आ रही है, निशा आ रही है, और ये बोलते ही नहीं के, ये मुस्कान आवाज तो सुनती होगी बेटा, आप क्वेश्चन ये कार्रवाई करी जाओ, चलो कल स्कूल में सुनूंगा भाई सब दोहरे अपने पक्के, ईब समझ माओ और चाहे मताओ ही समझाने का टाइम नहीं है, उन्हें रट्टा मार ली हो हाँ चारों घोट बगाओ, हाँ स्कूल में आओ जब बैंड ते आई हो राम है भी, ठीक है देखो बेटा ये क्वेश्चन था, अब देखो 1 + secant A / secant A, इन क्वेश्चंस का एक ही ट्रीटमेंट है कि सबको साइन कोस में बदल लो, टेन हो तो उसको क्या लिख देंगे साइन ए बाई कोस, और कोट ए तो क्या लिख देंगे कोस ए बाई साइन ए, सीकेंट ए हो तो क्या लिख देंगे 1 / cos A, और कोसिकेंट हो तो बेटा क्या लिख देंगे 1 /
तो वन प्लस सीकेंट ए था ये, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एक जमा एक बटे कोस ए, ये भी को एक बटा कोस ए, तो यहाँ देखो एलसीएम आ जाएगा कोस ए, ये कोस ए इधर एक के साथ गुणा होगा, एक इधर गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, एक जमा कोस ए बटे में कोस ए और डिवाइडेड बाय एक बटे में कोस ए। अब ये ऊपर वाला तो यूं का यूं लिखा जाएगा, और इसको हम पलट देंगे, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कोस ए, ये तो आया तुम्हारा एल एच एस। अब आर एच एस, एल एच एस साइन स्क्वेयर ए बटे में वन माइनस कोस ए, तो साइन स्क्वेयर ए का क्या फार्मूला होता है बेटा, वन माइनस कोस स्क्वेयर। अब इसको क्या लिख लेंगे, वन माइनस कोस ए, क्योंकि इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले फार्मूले से लिख लेंगे ना, बी स्क्वेयर से वन प्लस कोस ए, तो वन माइनस कोस ए, वन माइनस कोस ए इससे कट गया, तो ये भी क्या आ गया, कट जाएगा ठीक है। नाइन्थ चैप्टर यस सर, और एट्थ की फोर्थ एक्सरसाइज और थर्ड की सिक्स्थ एक्सरसाइज, ये भी कल मैं स्कूल में चेक करूंगा बेटा, अपना करके ले, चाहे दिन रात जागो कैसे करो, अपना करके लेके आना। ओके सर। अब 34वां देखो बेटा, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया, और बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या बताओ। तो ये क्वेश्चन तो पहले आ लिया एक बार, पहले तो सर ये समझा था उसने स्कूल में। अच्छा समझा था तुमने, चलो फिर देख लो बेटा, ये और बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ये शंकु था, पहले उसने बच्चे ने शंकु बनाया, और इसको बाद में इतनी मिट्टी का फिर क्या बना दिया, गोड़ा इसने बना दिया। गोड़ा। पहले था हमारे पास कौन, और ये किस में चेंज हो गया, अब सफीर में, तो ये कन्वर्जन वाला है। कन्वर्जन वालों में क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन, आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर, ये 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा कौन के लिए उसने आर बताया 6 और एच बताया 24, तो पाई से तो पाई काट लो, 3 से 3 भी काट लो, 3 नीचे था, 3 नीचे था, इसलिए काट दिया, कहते ऊपर नीचे हो जाए काट दो, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 24, और यहाँ हो गया 4 इंटू आर की पावर 3, आर निकालना है, ये भी मैंने बताया था, ऊपर ऊपर वाले से कट सकता है, नीचे नीचे वाले से कट सकता है, गुणा में हो तो, कदे घटा में हो जब काट दो, 6, तो 6 की पावर 3 और आर की पावर 3, तो आर कितना आ जाएगा, पावर 3 से 3 काट 6 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कहता है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य बताना है, मीन बताना हमने, कर लेंगे, कर लोगे, यस सर, यस सर, यस सर। इसका बहुलक है यो बैक्टीरिया का। अब देखो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर, हाँ यहाँ अप्रीमेय संख्या कौन सी है, मैं ये योगिता बताएगी जो बीमार हो गई उठी है। योगिता अब तो आवाज आ रही है बेटा, ठीक होगी तुम, यस सर। चलो अब बता बेटा, कल स्कूल में भी आना है सर, 14, हाँ रूट 14, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो, जिसका रूट पूरा नहीं निकलता वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसको कैसे करेंगे,
225 बटे में क्या हो जाएगा? 225 बटे में 1000। 1000, 25 नीमा 225 और 25 चौका 100, तो 9/40 उत्तर आ जाएगा इसका। √2x √3y कर लेंगे, ये 0-0 उत्तर है इसका। ये रूट वाला एक का क्वेश्चन है विस्तारा, और ये एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होती है बेटा, वो समझ लो। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, समांगी मिश्रण पढ़े होंगे ना तुमने, होमोजीनियस मिक्सचर, समान समांगी मिश्रण पढ़े थे। समान अंग, यानी कि यहाँ क्या है, एक्स की पावर एक, वाई की पावर हर जगह, ये 0-0 है, तो इनका 0-0 तो सॉल्यूशन होता ही होता है बेटा हमेशा। एक्स को 0 कर दें, वाई को 0 कर दें, तो 0 ही आओगा। ऐसे ही कोई भी हो, 3 डिग्री की भी हो, 3 वेरिएबल्स की भी हो सकती है। जैसे ये है, मान लेते हैं 3x + 4y + 2z = 0 और 4x + 3y + 5z = 0। तो एक्स, क्योंकि देखो यहाँ एक पावर एक पावर एक पावर फिर 0 है, ऐसे है, तो ये भी होमोजीनियस है। इसका भी सॉल्यूशन x = 0, y = 0 और z = 0 इज द ऑलवेज सॉल्यूशन, यानी कि जब भी ये, अब ये होमोजीनियस है तुम्हारी, तो इसमें x 0 और y 0 तो हमेशा ही सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो यो खाम खा दे रखे है इनने, ये इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता, अदरवाइज इसको सोल्व करके देख लो। जो मैंने अपना तरीका बता रखा है उस तरीके से भी क्या होगा सर, रूट दो है। इतना लेट कैसे ज्वाइन हुआ है, इसको किससे गुणा करेंगे, √3 से, इसको किससे गुणा करेंगे, √2 से। √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6। √2 × √8 कितना हो जाएगा, √16। 3 सर, 3 ने लिख दिया। ठीक है बेटा, देखो √16 3y और जमा का √16 का मतलब है 4y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, 7y। 7y = 0, तो y कितना हो गया, 0, क्योंकि y हो गया 0/7, तो y फाइनली क्या आया, 0। y की वैल्यू इसमें रख दो तो x भी क्या आ जाएगा, 0। 0। एक बार ये 2-3 नंबर का भी आया हुआ है, पहले किसी साल में आया था। अच्छा, प्रथम 20 घन पूर्णांकों का योगफल, प्रथम 20 धन पूर्णांकों योगफल होगा का योग, धन पूर्णांक का। तो पहले धन पूर्णांक कौन से बेटा, एक। धन का मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब इंटीजर। तो 1, 2, 3 और कहां तक है, ये 20 तक। तो S20 निकालना है, क्या फार्मूला होगा, 20/2 2a प्लस में 19d, क्योंकि ये 20 थे गिनती में, तो n 20 हो गए। a कितना है यहाँ पे, एक, एक 2 × 1 2 ही होगा, और d कितना है, सर एक,
तो 10 गुणा 21 गुणा संख्या है, जीरो से चालू होती है ना? नहीं बेटा, पूर्ण संख्या है, जीरो से चालू होती है ना? पूर्णांक है, पूर्ण होती तो जीरो से शुरू होती। सही कह रहे हैं, लेकिन इसने पूर्णांक लिख रखे बेटा। जो प्राकृत संख्या है ना, वो तो एक से शुरू होती है, ये होती है प्राकृत। और पूर्ण कहां से शुरू होती है? जीरो से। और पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। तो इसका हम क्या, अब माइनस अनंत क्या दिखाएं और प्लस क्या दिखाएं, तो हम क्या दिखाते हैं? हम बीच वाला पार्ट दिखाते हैं, जीरो के थोड़ा सा इधर और जीरो के थोड़ा सा इधर, दिखाने के लिए शोरूम में हम यो ही रखते हैं बस, क्योंकि अनंत होता है वैसे तो ये, ठीक है। तो अब इसने कहा है धनात्मक, धनात्मक वो होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं, ऋणात्मक वो होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं। और जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो इससे ऊपर कौन से होंगे? एक से शुरू होंगे ना ये। यस सर। तो एक से लेकर बीस तक ये एक एपी बनती है, जिसमें ए कितना है 1, डी कितना है 1 और इनकी संख्या कितनी थी 20। तो एस 20 निकालना था, योग पूछा है तो एस वाला फार्मूला लगेगा। तो 20/2 और ये समझ आ गया होगा। दूसरा एक डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखना है जो हर्ष बताता है, एन इंटू पहली एन प्राकृत संख्याओं का योग, ये वही है। पहली 20 का जोड़ कितना हो गया, एन को 20 रख दो, 20 गुणा में 21/2 वही तो आया है यहाँ पे 210। पहली 1000 संख्याओं का योग, लेकिन वो जरूरी है वो एक से शुरू हो और लास्ट में 1000 हो, तीन का जोड़ क्या आएगा, एन कितना हो गया यार 1000, तो 1000 गुण एन इंटू एन प्लस वन, फार्मूला है एन इंटू, तो 1000 गुणा में 1000 में एक जोड़ दो, 1001/2 तो ये 500 पकड़ गया, तो 005005 ये उत्तर आएगा, ठीक है। अब इसका डी बताओ, 0.6। देखो बेटा 0.6 है, फिर 1.7 है एंड सो ऑन, तो 1.7 में से क्या घटाएंगे हम, 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, जोड़ते वक्त और माइनस करते वक्त क्या होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो 7 में 6 गया 1 और 1, तो इसका उत्तर आ गया 1.0। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि हाँ सिलेबस में समरूप है, सिमिलर है, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। एक वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? एक, एक बिंदु से तो एक खेच सको, वैसे तो अनंत खेच सकते हैं हर बिंदु पे, लेकिन एक बिंदु से पूछा है इसने, किसी बिंदु से और उसके ऊपर है तो एक का खेच सकते हैं। अंदर होता तो अनेक को खेची जाती, अंदर होता तो कोई भी नहीं खेची जा सकती, बाहर होता है तो दो खेची जा सकती हैं, और इसके ऊपर होगा तो एक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर कोई भी पॉइंट है उसकी तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वृत्त के बाहर है, बाहर है तो दो खींची जा सकती हैं, या वो वृत्त के ऊपर है तो एक खींची जा सकती है,
या वो वृत्त के अंदर है, अंदर है तो एक भी नहीं खींची जा सकती। तो यहां पे ये कहता है एक वृत्त के ऊपर स्थित उसके ऊपर है ऑन द सर्कल किसी पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं टेंजेंट हो सकती हैं, दैट्स आर वन। मूल बिंदु से दूरी पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग और उसका वर्ग मूल, तो पांच का वर्ग। वेरी गुड। 25 और 49। अच्छा मध्य बिंदु दो में क्या जोड़ना है तुमने, -2 और बटे में दो, तो 2 - 2/2 0/2 0। फिर हम -5 + 9 और बटे में दो, तो क्या हो जाएगा 4/2 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा 0.2। 10:48, 10:23, 10:48 ये मैंने बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको रट लियो, वो रटन वाले में है और समझ भी लियो, क्योंकि एक आधी चीज रटे पास बहुत तावड़ी समझ में आ। रटना मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग। रटेगा जब बन जब दिमाग में छपेगी वह बात। देखो बेटा इनके ऐसे पेयर हैं जिनका जोड़ 90 आता हुआ, इकट्ठे कर लो, मैंने बताया था ना इसको और इसको, इसको और इसको, अब क्या करेंगे सर? एक ना बदल लें कोट 90 माइनस जो भी है ये, और ये क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस जो भी है ये दिशा ही तो समझ मान ला के होंगे, ये गुप्ता सर ने सही बता दिया ये। सर वो था ना आप वाला भी तरीका ठीक है और गुप्ता सर वाला भी, दोनों ही ठीक है। अच्छा चलो मैं ना पढ़ाने दे बच गया, ये कट जाएंगे एक आ जाएगा। कोट 42 से 10:42 क्योंकि कोट 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन भी कई बार लिया जी, सी है यहाँ पे, ए है और यहाँ पे बी है, थीटा ए सी बी है, यो गलत ले लिया इसने, सी पे तो समकोण हो गया। बी सी ए बी 29, बी सी 21, ए बी ये गलत है क्योंकि ए सी ये तो सी तो बेटा 90 का है, ए सी बी एंगल का मतलब है सी एंगल, तो यो है थीटा, ठीक है यहाँ लिख दो ए बी सी, तो ये थीटा होते ही बेस ये रहेगा, कदे तुम इसने पी लिख लो, थारी आदत है ऊपर वाले ने पी लिखना, इसको बी लिखना, यो पी हो गया अब, और कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच 21/29, ए आंसर हो जाएगा इसका। सीकेंट ए का मान -1 और 1 के बीच होता है, सत्य है क्या? सत्य है सर, सत्य है। तो -1 और 1 के बीच में किसका होता है? साइन कोस का, साइन और कोस का। सीकेंट और कोसीकेंट का 1 से ज्यादा और -1 से कम होता है, और टेन ए और कोट ए ये एक फैमिली से हैं, इनकी वैल्यू ओके सर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है 90 डिग्री का, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा ये 90, तो 90/360 और गुणा में पाई 10 का स्क्वायर होगा 16।
तो 4×25 π उत्तर लिख देना इसका, ठीक माना जाएगा। व्यास और त्रिज्या के बीच में व्यास बराबर है 2 × त्रिज्या और बटे में हो ना, तो त्रिज्या को क्या लिखेंगे, व्यास बटे में 2। घनाभ का आयतन हो जाएगा 13×10 = 5 650। बहुलक क्या होगा जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल में 4 दिखाई रहा है, 4 × 3 = 12। एक पासा फेंका गया, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, 4 से बड़ी क्या होती है, 5 और 2 बटा 6 सर 2 बटा 6 1 बटा 3। अच्छा इसका माध्यक भी बता दो, ये तो लगते हाथ मीडियन। सबसे पहले हम 0 को लिखेंगे, फिर 2 2 × 3 2 × 4 4 × 3 × 4 3 × 5 1 2 5 5 तो एक कब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 4 तो इधर से छोड़ दो, 3 आ जाएगा, 1 बच गया, 3 उत्तर आ जाएगा। और माध्य सारे 4 × 3 = 12 और 6 = 18 और 4 = 22 और 5 = 27/9 27। 2 − √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करोगे, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी ने कौन बोलेगा, जतिन बोल फटाफट। माना 2 − √3 एक परिमेय संख्या है, 2 − √3 = r। गुड, √3 = r + 2 −√3 = r − 2। स्टेप वाइज चलो बेटा, कोई से दिक्कत नहीं है। √3 क्या हो जाएगा, अब 2 − r सर अपरिमेय संख्या, LHS अपरिमेय, RHS परिमेय, जो कि असंभव है, जो कि गलत है, असंभव नहीं है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं, पहले तो A कितना है, यहाँ पे योग्यता बताएगी, A कितना है बेटा, सर 1। B कितना है, सर 7। सी कितना है, फार्मूला क्या है,